हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी। आज हम बनाएंगे सिंधी बिरयानी, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं, साथ रहिए आप भी हमारे। फुल रेसिपी, फुल डिटेल मैं आपको शेयर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हम क्वांटिटी में बनाने जा रहे हैं बिरयानी। और साथ में इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच नमक, और 1 नींबू का जूस। ये भी चला गया इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे कम से कम आधा घंटा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे और चलते हैं बाकी इसका मसाला बनाने की तैयारी करेंगे और राइस को बॉईल होने के लिए रखेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं पहले। तो देखिए, चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको छोड़ देते हैं और चलते हैं पहले राइस को बॉयल होने रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, देखिए राइस बॉयल होने के लिए मैंने पानी रख दिया है और पानी में मैं कुछ चीज़ें ऐड करूंगी। जो कि ये देखिए थोड़ा सा धनिया, 7-8 हरी मिर्चें हैं तोड़ दिया बीच से, 1 बड़ी इलायची इसका भी मुंह खोल दिया है, और 2 छोटी इलायची, 5 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 बादियान, ये सब इसमें चला जाएगा, और नमक। मैंने 7 चम्मच डाला है क्योंकि जो राइस बॉईल होने के बाद ये पानी तो हम फेंक देंगे, तो नमक उसके अंदर पूरा आना चाहिए। फ्रेंड्स, देखिए पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसमें राइस ऐड कर देंगे। राइस हम गोल्डन सेला यूज कर रहे हैं, जिसे मैंने 2.5 से 3 घंटे पहले वॉश करके और सोक करके रख दिया था। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने चावल इसमें ऐड कर दिया है। जब तक ये चावल बॉईल होते हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए मसाला बनाने के लिए मैंने वॉक लिया है और इसमें मैंने 1 कप और लगभग 1 कप ऑयल डाला है। और अब इसको इसमें हम अनियन को फ्राई करके आधा बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए अनियन ब्राउन हो गई है। अब इसमें से हाफ में बाहर निकाल लेती हूँ। और अब इसमें मैं थोड़े से गरम मसाले ऐड करूंगी, 2-3 तेज पत्ता, ये 5-6 टुकड़े हैं दालचीनी, 3 लौंग, 1 छोटी सी बड़ी इलायची, थोड़ा सा बादियान है, और जावित्री। क्योंकि खड़े मसाले हमने राइस में भी ऐड किए ना, तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। और अब इसमें मैं मैरिनेट किया हुआ जो आधे घंटे से मैरिनेट हो रहा है उसको डाल दूंगी चिकन को। और अब साथ ही इसमें मसाले ऐड करेंगे, पाउडर मसाले।
डेढ़ चम्मच लाल मिर्च, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर डालूंगी एक चम्मच और गरम मसाला भी एक चम्मच और नमक तो ऑलरेडी इसमें है ही पहले से, तो अभी सबको मिक्स करके और इसको लीड लगा के पका लेंगे तब तक जब तक कि हमारे चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर ना हो जाए। थोड़ा सा पानी जिस बर्तन में मैरिनेट किया था उससे खंगाल के डाल देंगे ताकि वो मसाले भी इसके अंदर ही ऐड हो जाए। ये देखिए बिल्कुल आधा कप पानी है ये, और अब इसको ढक के छोड़ देते कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए मसाले में कुक होते हुए 5 मिनट हो गए हैं, इसको चिकन को अब इसमें ऐड करेंगे ये 4 टमाटर जिसे मैंने चॉप किया हुआ है, साथ ही इसमें जाएगा देखिए ये आधे किलो आलू है, इसको मैंने कट करके पानी में फूड कलर ऐड करके सोक करके रखा था। और अब ढक के इस सबको कुक होने तक अच्छे से पका लेते हैं। चिली बिरयानी में ना आलू ज़रूर डालते हैं, आप भी ज़रूर डालना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और हमें तो चिकन या मटन से ज़्यादा आलू ही अच्छा लगता है बिरयानी में, बहुत मज़े के लगते हैं। फ्रेंड्स देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं पकते हुए और अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी एक कटोरी, तो 2 से 3 मिनट और इसको पकाएंगे दही में भी हम, और वैसे हमारा मसाला तैयार है। तो फ्रेंड्स देखें दही में पकते हुए भी से 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें मैं फाइनल मसाला ऐड करूंगी जो है ये पिसी हुई सौंफ, इसको भी हम 1 से 1.5 चम्मच ऐड करेंगे, इससे बिरयानी में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और राइस बिरयानी को असेंबल करने की तैयारी करेंगे। सो फ्रेंड्स फाइनल देखिए हम बिरयानी असेंबल करने जा रहे हैं, मैंने राइस में से इसे निकाल दिया है और बाकी के राइस को साइड किया है। अब हम लेयर करेंगे अपने मसाले से जो चिकन का मसाला हमने तैयार किया है। देखिए फर्स्ट लेयर ले ली हमने चिकन की, अब इसके ऊपर राइस ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी हरा धनिया, थोड़ी सी कटी हुई मिर्चें और थोड़ा सा फूड कलर, और ये ब्राउन अनियन,
और ये सेकेंड लेयर भी चला जाएगा चिकन का। और ये राइस का ऐड कर देंगे इसमें हम। तो फ्रेंड्स देखिए लास्ट लेयर भी लग गई है और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा फूड कलर। थोड़ी सी धनिया की पत्ती और साथ ही ब्राउन अनियन। टमाटर का लेयर कर देंगे। और ये हरी मिर्चें। साथ ही इसमें ऐड करेंगे अब हम देसी घी 2 चम्मच। और अब हम ऑन करेंगे गैस का फ्लेम और 15 मिनट के लिए इसको हम ढक के स्टीम पे छोड़ देंगे। मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स देखें ये रहा हमारे बिरयानी का फाइनल लुक। ये हमारी सिंधी बिरयानी बनके तैयार है। तो साथ ही मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।